हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन योर लेसन टू एंड टॉपिक इज़ द ब्यूटीफुल रोज एंड द कैक्टस। खूबसूरत गुलाब का फूल और कैक्टस। कैक्टस वो प्लांट होता है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे होते हैं। द स्प्रिंग सीजन हैड अराइव्ड। स्प्रिंग होता है बसंत। बसंत ऋतु शुरू हो गई थी। ग्रीनरी हैज स्प्रेड ऑल ओवर द गार्डन। ग्रीनरी होती है हरियाली। गार्डन के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मीनिंग होता है खिलना, फूल खिल रहे थे। वन डे द रेड रोज हर्ड ए पाइन ट्री एप्रिशिएटिंग इट। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। पाइन ट्री होता है देवदार का पेड़, इसको हिंदी में देवदार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पाइन ट्री। ये आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये वी ट्राइंगल शेप में होता है, ये होता है हमारा पाइन ट्री। यहाँ पर भी आपने किसी के घर में पाइन ट्री ज़रूर देखे होंगे। तो उसने, रेड रोज ने पाइन ट्री को कहते हुए सुना। वो क्या कह रहा था? एप्रिशिएटिंग, वो प्रशंसा कर रहा था, तारीफ कर रहा था, किसकी? गुलाब के फूल की, रेड रोज की। और क्या कह रहा था? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये कितना सुंदर फूल है। आई विश आई वर ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, काश मैं भी इतना सुंदर होता। मैंगो ट्री सेड। और उसी गार्डन में एक मैंगो ट्री था, देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में मैंगो ट्री है। जब मैंगो ट्री ने पाइन ट्री को कहते हुए सुना तो उसका क्या जवाब था? डियर पाइन, डू नॉट बी सो सैड। उदास होने की जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता। द रेड रोज टर्न इट्स हेड एंड सेड। उन दोनों की बातें सुनकर जो रेड रोज था उसने उनकी तरफ घूम कर देखा और कहा, ऑफकोर्स आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। मैं वाकई में इस गार्डन में मैं बहुत सुंदर फूल हूँ, मतलब कि मुझे, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। ए सनफ्लावर रेज इट्स हेड एंड सेड टू द रोज। और तभी उनकी बातें सुनकर सनफ्लावर ने उसकी तरफ देखा और क्या बोला वो रेड रोज से? वाई डू यू से सो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इन दिस गार्डन देर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस गार्डन में तो और भी बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। यू आर ओनली वन ऑफ देम, तुम उनमें से एक हो। रेड रोज लुक्ड एट द कैक्टस एंड सेड, लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। इस कैक्टस के प्लांट को देखो, कितना बदसूरत है, इसके अंदर तो कांटे ही कांटे हैं। पाइन ट्री सेड, रेड रोज डू नॉट अटर लाइक दिस। अटर का मीन्स होता है कहना। पाइन ट्री रेड रोज को कहता है कि तुम ऐसे नहीं कह सकते। यू कैन नॉट क्लेम व्हाट ब्यूटी इज़, यू हैव थॉर्न्स एज वेल। तो क्या कहता है वो? वो कहता है कि तुम ऐसे कि दावा नहीं कर सकते कि सुंदरता क्या है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो कांटे हैं। द रेड रोज लुक्ड एंग्रीली, और उसकी बात सुनकर रेड रोज को गुस्सा आ गया। एट द पाइन एंड सेड, और वो पाइन ट्री से बोलता है, आई थॉट यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस, मुझे ऐसा लगता है तुम ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यू डू नॉट नो वट ब्यूटी इज़ एट ऑल, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम्हें यह मालूम ही नहीं कि सुंदरता होती क्या है। हाउ कैन यू कम्पेयर माई थॉर्न्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, तुम मेरे कांटों से और कैक्टस के कांटों में कैसे तुलना कर सकते हो, कैसे उनको कंपेयर कर सकते हो। एज दे पास्ड, धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। द रेड रोज वुड लुक एट द कैक्टस एंड गेव इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इट। और ऐसे ही डेली की तरह रेड रोज कैक्टस को देखता था और उसको कुछ ना कुछ कमेंट, उसकी इंसल्ट, कुछ ना कुछ उसको कहता रहता था। द कैक्टस नेवर गोट अपसेट, लेकिन कैक्टस का जो प्लांट था वो कभी भी उदास नहीं होता था उसकी बात सुन के। एंड इट इवन ट्राई टू एडवाइज, और हमेशा उसको अच्छी सलाह देने की कोशिश करता था। दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाई द गॉड विदाउट ए पर्पज। वो कहता था कि यहाँ भगवान ने अगर कुछ दुनिया में कुछ चीज़ें बनाई हैं तो वो बेकार नहीं है, उनका उद्देश्य जरूर कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। स्प्रिंग पास्ट, और बसंत ऋतु धीरे धीरे करके चली गई। एंड द वेदर बिकेम वेरी हॉट, और मौसम धीरे धीरे करके गर्म होता चला गया। इट मीन्स समर सीजन आ चुका था। देयर वॉज नो रेनफॉल, कोई बारिश नहीं हुई थी। इन द गार्डन द लाइफ बिकेम डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। और गार्डन में जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी बर्ड्स थे, सबको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी पानी नहीं था। वन डे, एक दिन, द रेड रोज सा सम स्पैरोज, एक दिन रेड रोज ने देखो जो चिड़ियाँ थी, स्पैरोज मीन्स होती चिड़ियाँ, स्टक डियर बीक्स इन टू द कैक्टस एंड देन फ्लू अवे रिफ्रेशिंगली। वो क्या कर रही थी? वो कैक्टस के प्लांट पर बैठ रही थी और उसके अंदर अपनी चोंच मार रही थी, और थोड़ी देर में जब वो उड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो वो बहुत ही फ्रेश हों। इट शॉक्ड द रेड रोज, और ये देखकर जो रेड रोज था वो शॉक्ड हो गया। एंड द रेड रोज आस्क्ड द पाइन ट्री, उसके बाद रेड रोज ने पाइन ट्री से पूछा, व्हाट द स्पैरोज वर डूइंग, ये चिड़ियाँ क्या कर रही थी।
द पाइन ट्री सेड, द पाइन ट्री ने उसे बताया दैट द स्पैरोज गोट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, जो ये चिड़िया थी वो कैक्टस के प्लांट से पानी पी रही। कैट दिस पिक्चर, ये स्पैरोज हैं कैक्टस के प्लांट्स में बीक मार रही हैं, अपनी स्टक कर रही हैं बीक को और पानी पी रही हैं। द रेड रोज आस्क्ड, रेड रोज ने पूछा, डज इट नॉट कोज पेन टू द कैक्टस, कि क्या कैक्टस को दर्द नहीं होता जब वो उसमें चोंच मारती हैं। बट व्हेन दे मेक होल, जब उसमें अंदर छेद कर रही हैं तो क्या उसको दर्द नहीं होता। यस बट द कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी एनी बर्ड्स बी इन पेन, हाँ उसको दर्द होता है लेकिन जो कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस किसी भी चिड़ियाओं को प्यासा नहीं देख सकता, किसी भी दर्द में, किसी भी परेशानी में, मुश्किल में नहीं देख सकता। द रेड रोज फेल्ट वेरी अशेम्ड, अशेम्ड कहते हैं शर्मिंदगी, और ये बात सुनकर जो रेड रोज था उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑफ इट्स अर्लियर वर्ड्स, उसके अपने कहे हुए शब्दों के लिए, एंड बिहेवियर, और वो उस व्यवहार के लिए जो कैक्टस के साथ किया करता था। द रोज लर्नड द लेसन, अब रेड रोज ने एक सबक तो सीख लिया था। वन कैन नॉट जज द क्वालिटी ऑफ समवन, कि कभी भी किसी की क्वालिटी को आप स्वयं जज नहीं कर सकते, बाय इट्स अपीयरेंसेस, क्योंकि वो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई भगवान उसके लिए किसी ना किसी चीज़ के लिए ज़रूर बनाता है, इसलिए आप किसी को कभी भी किसी के गुणों के लिए जज नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ तारीफ ही करनी चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर हाउ लिटिल ए पर्सन और थिंग इज, बट दे ऑल सर्व सम पर्पस, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सी चीज़ छोटी है कौन सी बड़ी है, मैटर ये करता है कि जितनी भी चीज़ें भगवान ने, गॉड ने इस धरती पर हमारी नेचर में बनाई हैं, वो सब किसी ना किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर ज़रूर आए हैं, तो इसलिए हमें कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को जज करना चाहिए। ओके, थैंक यू।